हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFS। अब थंबनेल को देखकर आपको एक आइडिया आया ही होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग फॉर CSIR नेट। अब इस वीडियो में हम यही चीज बात करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग के आपके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वैसे तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, काफी सारे पॉइंट्स तो आपको पहले से ही पता होंगे, बट फिर भी इसके बारे में एक बार यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत सारे सवालों के आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारे बेनिफिट, अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का मतलब क्या है, जैसे कि CSIR नेट जो एग्जाम है ना, हम बात करते हैं यूजुअली कौन से बच्चे देते हैं, या तो वो MSc के लास्ट ईयर में होंगे या जिन्होंने MSc क्लियर की होगी, बराबर। और MSc क्लियर करने के बाद मैक्सिमम लोगों का क्या होता है मोटिव, कि वो जॉब करे, बराबर कि नहीं। अब जॉब के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो CSIR नेट का प्रिपरेशन करते हैं, जॉब के साथ साथ काफी लोग होते हैं जो CSIR नेट का प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर मैं इसको ऑफलाइन क्लास से कंपेयर करूं, तो ऑफलाइन क्लास में क्या होगा, आपको दिन भर ऑफलाइन में देना पड़ेगा, वहां पर आपको जाना पड़ेगा सुबह सुबह, एक दिन में 2-3 लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे, इस तरीके का ऑफलाइन का आपका शेड्यूल होता है। बट अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास की बात करूँ, ठीक है, एक तो ऑनलाइन क्लास होता है आपका फ्लेक्सिबल और आपको ज्यादा कन्वीनियंस होता है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एक कोई स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है कहीं पर, उसको जॉब करने की जरूरत है और उसको अब CSIR नेट का प्रिपरेशन भी करना है। अब जॉब के साथ साथ वो ऑफलाइन क्लास तो नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तब वो क्या करेगा, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। इससे होगा क्या कि लाइव लेक्चर्स का टाइमिंग है, उसके हिसाब से उसका जॉब एक तो एडजस्ट हो सकता है, दूसरी चीज अगर उसका लाइव लेक्चर किसी रीजन से अगर मिस हो जाता है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, रिकॉर्डिंग देख सकता है। ठीक है, जो भी हमारे साथ IFS से जुड़े हैं, जो लाइव लेक्चर्स देखते हैं, उनको पता है जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका रेगुलर उनको क्या मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलते हैं। तो ये होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हो और इसमें कोई भी लॉस नहीं है, आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस आप समझ गए कि आप जॉब के साथ या इवन और भी कुछ आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज ही कर रहे हो मान के चलो, जैसे कि काफी सारे बच्चे जो MSc फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अब उसके साथ साथ MSc का भी उनके ऊपर लोड होता है, MSc के लेक्चर्स करो, फिर उसके बाद उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, उसके बाद ही तुरंत कई बच्चों को CSIR नेट एग्जाम क्लियर करना होता है। तो MSc में ही जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास ही मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि लेक्चर्स के साथ साथ उसके हिसाब से वो यहाँ पर लेक्चर्स भी कर सकते हैं, और अगर लेक्चर्स नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली क्या देख सकते हो, उसके ही रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो ये तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। दूसरी चीज, वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेस। अब आप कहोगे सर ऑनलाइन क्लासेस में क्या रिसोर्सेस मिल सकते हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि पहला क्या कहेंगे हम इसको, ई बुक्स। ओके, काफी सारे ई बुक्स होते हैं। अब जैसे कि हमारे रेफरेंस बुक की ही आप बात करो, अब रेफरेंस बुक तो आप ऑब्वियसली खरीद नहीं सकते इतने सारे, जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हो या पढ़ते हो तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक तो होता नहीं है। जैसे कि हमारे केमिस्ट्री की बात लेकर चलो, ऑर्गेनिक के 2-3 बुक्स आपको फॉलो करेंगे रेफरेंस बुक्स, इनऑर्गेनिक के 2-3 बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे, सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री के भी करने पड़ेंगे। तो ये सारे आपको किस फॉर्मेट में मिलेंगे, आपको ई बुक्स यानी कि क्या, आपके PDF फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, राइट। अब ये जो क्वेश्चन पेपर्स है ऑनलाइन कोर्सेज में आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब ये भी किस फॉर्मेट में होंगे, ऑब्वियसली PDF फॉर्मेट में ही होंगे ना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो तो ये सारे रिसोर्सेज तो हमारा काम है आपको प्रोवाइड करना, सही है, जैसे ई बुक्स हो गया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। अब अगर आपने अगर लाइव कोर्स ज्वाइन भी किया होगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आपके हो गए रेगुलर DPPs हो गए, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में या डायरेक्टली आप ऐप के ऊपर जब जाते हो वहां पर आप जाकर सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर रेगुलर टेस्ट बोलेंगे प्लस सॉल्यूशंस, सही, जो भी आपका एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसके रेगुलर टेस्ट आपको मिलते हैं देखने के लिए, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ये सारे रिसोर्सेस आपको क्या मिलते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑब्वियसली मिलेंगे, और ये भी फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने हिसाब से कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हो, इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जैसे कि अगर मैं ऑफलाइन से इसको कंपेयर करूँ तो ऑफलाइन में कैसा, फॉर एग्जाम्पल एक संडे को टेस्ट है तो उसका एक टाइम डिसाइडेड होगा, तो 8 to 11 आपको आकर टेस्ट देनी है या 9 to 12 आकर देना है, बट इसका कुछ ऐसा नहीं है,
संडे को आप शाम को दे सकते हो टेस्ट, अपने हिसाब से रात को दे सकते हो, जैसे आपको लगे तब आप टेस्ट दे सकते हो, और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये एक फायदा होता है आपका ऑनलाइन एजुकेशन का, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट की यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्राइजेस का यहाँ पर कंपेयर करें, अब अगर आपने इंक्वायरी भी की होगी ऑफलाइन और ऑनलाइन से, किसके ज्यादा प्राइजेस होते हैं, ऑफलाइन के होते हैं, ठीक है कि नहीं, अगर आप देखोगे 2 या 3 टाइम्स ज्यादा आपके ऑफलाइन के प्राइजेस आपको देखने को मिलते हैं, बट ऑनलाइन के प्राइजेस आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कम होते हैं। आगे मैं बताऊंगा हमारे जो CSR नेट के जो कोर्सेस है वो आपको किस प्राइस में यहाँ पर मिलेंगे IFS में, बट आप देखोगे कॉस्ट इफेक्टिव ही होता है ना ऑब्वियसली आपका ऑनलाइन एजुकेशन। और आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल तो चाहिए होता है आपके साथ, और बस कोई भी एक मोबाइल हो एंड्रॉयड का सिंपल सा, उसमें भी आप ये सारे चीजें देख सकते हो, सारे लेक्चर्स देख सकते हो, बस एक आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। जैसे कि हम अगर IFS की बात करें तो एक IFS का एप्लीकेशन आता है, आप जा सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड करो, फिर वहां से आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव। और अगर हम कोर्सेज की भी बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एट द एंड हम देखेंगे कॉस्ट किस तरीके से रिलेट करते हैं आपके CSR नेट के कोर्सेज के बराबर। और हमारा क्या मोटिव है, एक तो आपका टाइम बचाना, दूसरी चीज क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना, और आपका ऑब्वियसली अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करना, ये हमारा मोटिव है। तो इसलिए ये क्या होता है, आपके ऑनलाइन एजुकेशन कॉस्ट इफेक्टिव ही होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन ले तो क्या हम फैकल्टी से या जो भी टीचर से, क्या उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है यस, बिल्कुल कर सकते हो। अब ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब है नहीं कि सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, सिर्फ आपको वो देखते जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन का मतलब होता है लाइव एजुकेशन, और इस लाइव में क्या होता है, आप टीचर्स को, प्रोफेसर्स को या जो भी फैकल्टीज है उनको आप देख सकते हो क्लियरली, उसके रिकॉर्डिंग्स में भी आप देख सकते हो। दूसरी चीज, आप उनसे बात भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख ही सकते हो, आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो। सिर्फ टीचर्स को कभी कभी स्टूडेंट्स दिखते नहीं है, कई बार दिखते भी है, बट जब एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब सारे स्टूडेंट्स को देखना पॉसिबल नहीं होता है, बट हाँ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज, आपके ऐप के थ्रू भी जो डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व किए जाते हैं, यानी कि आपके ऐप में क्या होता है, एक वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे वहां पर आप उसको टाइप करके भेजो या फोटो भी आप भेज सकते हो, तो उसके डाउट्स आपके हर एक फैकल्टीज वहां पर सॉल्व कर देगा। और तीसरी चीज, फैकल्टीज आपसे पर्सनली भी क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने डाउट्स भेज सकते हो, या एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनता है जहां पर एक बैच के सारे स्टूडेंट्स होंगे केमिस्ट्री के, फॉर एग्जांपल मान के चले, तो वहां पर क्या होगा, ग्रुप में सारे आपके फैकल्टीज भी एडेड होंगे, तो वहां पर भी अगर कुछ आप डाउट्स भेजते हो तो उसका भी आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। तो इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही एक सवाल होता है कि सर ऑफलाइन में कैसे हम जाकर फैकल्टीज को जाकर बात कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली जाकर सवाल पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हैं, तो क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल होगा? तो यस, बिल्कुल पॉसिबल होगा, ठीक है, यही सारी चीजें होती है, इसका फायदा यहाँ पर आपको ऑनलाइन एजुकेशन में मिलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पर जानबूझ के क्यों ऐड किया है, देखो टाइम मैनेजमेंट, कोई भी आप एक एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन से आप यहाँ पर चीजें करते हो, और दूसरे साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, और ये चीजें अपने आप सीखोगे जब आप ऑनलाइन एजुकेशन लेना शुरू करोगे। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो जाएगा, आपके क्लास का एक टाइम फिक्स होगा, यानी कि आप डिसिप्लिन बनोगे, उसके साथ साथ आपका बाकी का शेड्यूल आप मैनेज करोगे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, आप ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आप मैनेज करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके साथ क्या आ जाएगा कि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम आपको मैनेज करना है, सही है। और तीसरा साथ क्या, आपके अदर एक्टिविटीज। अब ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 24 आवर्स पढ़ाई करोगे, है कि नहीं, उसके साथ साथ आपके अदर एक्टिविटीज भी आप करोगे ही करोगे। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे कब, जब आपके ऑनलाइन एजुकेशन आप करना शुरू करोगे, अपने आप में क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि आपको डिसिप्लिन कैसे रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी अगर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको क्रैक करनी है तो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट अपने आप क्या करोगे, सीख जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ फायदे होते हैं, ये कुछ चीजें होती है ऑनलाइन एजुकेशन की। तो ऐसा बिल्कुल मत मानना कि ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाई नहीं होती, ये एक
स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्या कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि घर पे है हम तो कैसे पढ़ सकते हैं, एक माहौल नहीं है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करना है, उसने अगर चीजें ठान लिए तो वो उसको 100% क्रैक करके रहेगा, फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि देखो CSR नेट के लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेस हैं, हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था, देखो लाइव कोर्सेस कितने के आपके, सिर्फ 7999 यानी कि 8000 के आपको यहाँ पर लाइव कोर्सेस मिलने वाले हैं। और रिकॉर्डेड कोर्सेस तो देखो और ज्यादा सस्ते, 4000 में सिर्फ आपको यहाँ पर कोर्सेस मिलने वाले। अगर आप कहीं पर भी प्राइजेस को कंपेयर करोगे ऑफलाइन कोर्सेस से, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर एक वास्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमने ये पॉइंट ऐड किया था ना, कॉस्ट इफेक्टिव, सही है। और ये सिर्फ केमिकल साइंस के लिए नहीं, लाइफ साइंस भी होगा इसमें, मैथमेटिकल साइंस भी होगा, आपका फिजिकल साइंस भी होगा। और आपके जो रिसेंट बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 26th August को यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और उसका जो कूपन कोड आपको यूज करना है इंडिया, ठीक है। तो बहुत कम समय है दिसंबर के लिए, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। इवन आपका जून जुलाई में भी जो एग्जाम होगा नेट का, अगर उसके लिए भी अगर आप टारगेट करोगे तो आपको पहले से ही तैयारी हो जाएगी। तो आई थिंक ये बैच आपके लिए बेस्ट हो गया। और जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है अरे ये तो टाइम चला गया, 2nd September है, 3rd September आ गया, अब तो चीज़ें मिस हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये चीज़ें वापस से पढ़ाई जाती है और उनका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है CSR नेट स्टूडेंट्स के लिए, तो केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस सबके लिए है। और जिनकी रैंक अच्छी आएगी 1 और 2 रैंक, उनको क्या मिलेगा, एडमिशन डायरेक्टली मिलेगा 16th September वाले लाइव बैच में, फ्री एडमिशन उनको यहाँ पर मिलने वाला है। और जिनका 3 to 5 में रैंक आएगा उनको यहाँ पर फ्री 6 months का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, ठीक है। और 7th और 8th September को आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, तो आप जाइए IFS के वेबसाइट के ऊपर, वहां पर जाकर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।